दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। पुलिस के मुताबिक घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के समीप बनी कॉस्मेटिक की दुकानों के बाहर हुई है। पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें प्रथम भरत, सोनू और श्याम नामक चार युवक घायल हुए हैं। वहीं बदमाशों द्वारा युवकों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है। वहीं घटना के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ है? ये छोगालाल मार्ग जो है रानीपुरा में, यहाँ कोई गाड़ी पार्किंग की खड़ी करने की बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है, जिसमें चार व्यक्ति घायल हुए हैं। वो तो चारों व्यक्ति को जो है अभी MY इंदौर लाया है और उनका इलाज चल रहा है। और उनका जो घायल व्यक्तियों का नाम है, तो प्रथम पिता सोनू, प्रथम और सोनू, राहुल पिता सुरेश, भरत पिता लालचंद, श्याम कोचले, ये लोग घायल है और इनको इलाज इनका चल रहा है। और विवाद है मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात को लेकर। किसकी दुकान है क्या पार्किंग? ये पार्किंग नहीं है, वो किसी का मकान है। वो पूरा क्लियर होगा तो इसमें सामने आएगा। अभी वो हमलावर बता नहीं पा रहा है, ये नाम नहीं क्लियर कर पा रहा है वो। यदि वो ये चीज बता रहा है कि तीन चार लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं, ये तो अभी जानकारी नहीं है। जैसा भी आगे वीडियो या वो भी सामने आया है, वीडियो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन तीन चार लोगों का मारपीट का बता रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। जैसा उनके स्टेटमेंट के अनुसार जैसी कार्रवाई होगी विधि अनुसार। घायलों की क्या स्थिति है? घायलों की अभी स्थिति यह है कि सोनोग्राफी वगैरह हुई है उनकी, दो की दो सामान्य है उसमें। और जिनको एक सोनोग्राफी हुई है, एक पेट में हल्का सा चोट है और एक का सिर और सीट पे दर्द है। हाँ, कोई चाकू वाकू बता रहा है ये कि चाकू से मारपीट। आपका SI रमेश चंद्र सेंटर।